दूरी और गति, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसे समझने के लिए हम प्रेम रस का सहारा लेते हैं। में सोने का आदत लग गया है क्या? सो नहीं रहे थे सर। हमें क्या लगता है ये जो सवाल है ना, ये थोड़ा गलत है। ओ, चल, बाहर, बाहर, आउट। प्यास लगा है, जाइए बुझा के आइए। उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। मैडम जी, वो चौबे सर चोक लाने भेजे। अभी बोर्ड के एग्जाम में ज्यादा समय नहीं रह गया। हम तो कहते हैं जो बात है अभी क्लियर कर दो, कहीं पीछा करते करते पीछे ना रह जाएं। अरे वो जूनियर सारा दिन उसको टीचर क्लास से बाहर ही निकाल के रखा। और तुमने देखा वो तुम्हें कैसे गौर से देखता है। लो आ गया। हेलो, वो हम 10वीं के स्टूडेंट है, आदत नाम है हमारा। जानते हैं तुम्हें, रोज क्लास के बाहर जो खड़े रहते हो। हमारा नाम शिल्पी है, बोलो क्या काम है। काम? हाँ तो वो वो क्या, वो बोलो ना जूनियर। वो एक्चुअली जो हम है ना, वो मैथ में बहुत वीक है,
और हमने सुना है कि आप मैथ्स के अंदर A1 वो एकदम टॉपर टाइप्स हैं, तो हमने सोचा कि हम आप ही से पूछ ले। ट्यूशन पढ़ाएंगे क्या आप हमें? ट्यूशन तुम्हें? हाँ। क्लास में ध्यान दो, वैसे भी काफी दिनों से नोटिस कर रहे हैं हम तुम्हें, तो ज्यादा फॉरवर्ड बनने की ना कोशिश मत करो। सीनियर है हम तुम्हारे, जूनियर हो जूनियर ही रहो। सीनियर जूनियर से ना कुछ नहीं होता है, वो अपने निकवा को ले लो, कितना जूनियर है। क्यों कुंजी? पूरे 10 साल। निकवा कौन है? निक जोनस वाला, प्रियंका वाला। तुम अपने आप को निक जोनस समझते? नहीं, आपको प्रियंका चोपड़ा समझते हैं। लगता है निकवा वाला उदाहरण काम कर गया। और कैसी रही शादी? बढ़िया। अक्सर साइकिल वालों का प्यार मोटरसाइकिल वाले ले जाते हैं। नई किताब निकली ज्योमेट्री की, तो नाम लिख दो ना जैसे हमेशा की तरह लिखती हो। पेन चल ही नहीं रही है। अबे आजकल तेरा मस्ती बढ़ता ही जा रहा है। क्या जरूरत थी हीरो की तरह प्रेम में घुसने की? हाँ, अभी खमक्का कूट गया ना। अबे हीरो बनोगे तो पिटना तो तय है। शिल्पी हमारी फैमिली फ्रेंड है, और तुम्हारी बहन, और तुम्हारी दीदी पढ़ना हमारी नजर है, समझे जूनियर? पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। देखिए, आपका नाम है सनी मिश्रा और शिल्पी भी मिश्रा है, तो इस हिसाब से तो आप उनके भाई हुए ना, और अपना गंदा नजर उनसे दूर ही रखिए, नहीं तो बॉय, नहीं तो क्या? देखो कात में रह, ठीक है ना? अपने अपने घर चलो, चलो। देखो महाराज, हिम्मत तो तुम में गजब की है, मगर ये जो प्रेम है ना, ये रेस नहीं है। पहले उससे तो पूछ लो कि उसे साइकिल पर बैठना है या मोटरसाइकिल पर। फिर से वही पराठा अचार। मैं क्या फायदा तुम्हारे बाप का पुलिस में होने का? अरे अंकल जी को बोल कि थोड़ा अंडर द टेबल शुरू करे, कब तक अपने लड़के को पराठा अचार खिलाएंगे? रेड जाम चलेगा? कल की मार से बचाने के लिए खिला रहे हैं, कुछ और मत समझ बैठना। अब एक बात बोले, बुरा मत मानिएगा, टेस्ट बहुत खराब है आपका। क्यों, पसंद नहीं आया क्या ब्रेड जाम? हम ब्रेड जाम की बात नहीं कर रहे हैं, उस सनी की बात कर रहे हैं। कुछ चल रहा है क्या उसका आपके साथ? नजर ठीक नहीं है उसका। जितना नजर तुम हम पे रखते हो ना, अगर उसका 10% भी तुम अपनी किताबों पे रखोगे ना, तो स्टेट टॉप कर जाओगे। वैसे भी हमारे और सनी के बीच में कुछ चले या ना चले, तुम्हारे और हमारे बीच कुछ नहीं चल सकता। अगले महीने परीक्षा के बाद कॉलेज जाना है हमें, और तुम्हें तो और 2 साल बिताने हैं स्कूल में, तो तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, हम पर नहीं। तो 1 महीने के लिए सही फ्रेंड बन जाइए ना हमारे, आगे का आगे देख लेंगे, क्या पता आगे चलकर आपका टेस्ट सुधर जाए तो। फ्रेंड बनाने इसका ये मतलब नहीं कि जूनियर और सीनियर का फर्क ही भूल जाओ, समझे? बिल्कुल नहीं। और तुम्हारे दिमाग के अंदर ये जो फिल्म चालू है ना, उसे डिलीट कर दो।
मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू तू चल। आदत उठ जा। वो हमारा एक डाउट था। डाउट क्लियर करने का फीस लेते हैं हम, तो ले लीजिए। ठीक है, मैथ्स का 1000 और अल्टरनेटिव डेज पे क्लास होंगे, समझे? कि हमारा जो इंग्लिश है ना वो भी बहुत पुअर है, तो आप एक काम कीजिएगा, आप है ना एक दिन हमें मैथ और एक दिन इंग्लिश पढ़ा दीजिएगा। ठीक है, तो कल ट्यूशन में मिलते हैं। ठीक, ये लो, कल सब टेस्ट की तैयारी कर कर आना। यस मैम। ओए जूनियर, कल के मैथ्स के टेस्ट के लिए ना तैयारी कर कर आना। वो तो हम कर लेंगे। आपका फोन नंबर मिल सकता है? क्या करोगे नंबर लेकर? कुछ भी डाउट होगा तो फोन ही पर पूछ लेंगे, एग्जाम आ रहे हैं ना, पढ़ाई बहुत जोरों पर चल रही है। दो टाइप। बारिश हो रही है, हमने तो ट्यूशन कैंसिल किया था, तुम क्यों आ गए? ऐसे कैसे नहीं आते? आपके लिए गिफ्ट लेके आए। हमारे लिए? हमको पता कि आपको ये साई वाला पेन कितना पसंद है, तो सोचा कि आपके लिए ले जाए। मॉडर्न जमाना यार, आज के टाइम पे बाबा आदम के जमाने का पेन कौन इस्तेमाल करता है, इंक पेन। थैंक यू, तुम्हारे लिए चाय लाते हैं। नहीं नहीं चलेगा, फाइन। अरे नहीं पी लो, वरना जाड़ा लग जाएगा। अरे हम तो भूल गए, घर में तो गैस भी खत्म है और हमें रेगुलेटर चेंज भी नहीं करना आता। माँ बाबूजी भी मामा जी के घर गए थे और वहीं फंस गए। हम ट्राई करें। तुम? हाँ हम। ये ऊपर प्रेस होता है नीचे? शायद नीचे होता है। जो तू मेरी धड़कन सुन ले, मुझ में अपना जहां जहां तो ही जमीन और आसमां बन जाए मेरा, बस बस ये एहसान दिल पे हो तेरा। बढ़िया बना है, टेस्ट उधर आपका। एक डाउट था हमारा, क्लियर करोगे? हमारा एक डाउट था। डाउट क्लियर करने का फीस लेते हैं। डाउट क्लियर करने का हम भी फीस लेते हैं। चाय पिला रहे हैं ना, उतना ही काफी समझो। और भी तो लड़कियां हैं स्कूल में, हमसे भी बहुत सुंदर, फिर तुम हमारे पीछे क्यों पड़े रहते हो? दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। बात सुंदरता का नहीं है, बात पसंद का है।
और जब आपको कोई पसंद होता है तो उसका कोई कारण नहीं होता। अब किसी से पूछे कि उसको चाय क्यों पसंद है तो बता पाएगा? नहीं ना। बस वैसे ही हमें आप और आपकी हर बात बहुत पसंद है। बस ये लगता है बारिश रुक गया है, हम निकलते हैं। आए। बात सुंदरता का नहीं है, बात पसंद का है। हमें आप और आपकी हर बात बहुत पसंद है। प्रिंसिपल सर बोले हैं कि अगले हफ्ते एक्स स्टूडेंट और भोजपुरी सुपरस्टार मल्हारी बाबू हमारे स्कूल आ रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों को एक डांस प्रोग्राम तैयार करना है। तो जो भी कोई इंटरेस्टेड है वो आगे आ जाइए, चुने गए बच्चों को उनके सामने डांस करने का मौका मिलेगा। जूनियर्स का लाइन पीछे है। यहाँ पर जूनियर सीनियर से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर जो अच्छा डांस करेगा वही सेलेक्ट होगा। क्यों, सही कह रहे ना? बात तो सही है, ये सबके लिए बेहतर रहेगा। चलो अब ऑडिशन शुरू करते हैं। सनी और हम, किसी को कोई एतराज हो तो कह सकता है। हमें एतराज है? अबे तुम्हारे यहाँ एतराज होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। जाओ पहले नाचना सीख करो, जाओ। नाचना तो हम सीख लेंगे, वो शिल्पी जी सिखा देंगे ना हमें। सिखा तो देंगे, पर अभी के लिए यही सही होगा कि सनी और हम साथ में नाचे। तो पार्टनर्स है सोहम प्रीति, नेहा कुंजी और पूना मुरादर। ब्रेक के बाद पार्टनर्स के साथ डांस करेंगे। कोई बात नहीं यार, ये शाहिद कपूर है ना, ये भी पहले पीछे ही नाचता था। और वैसे भी यार ये सनीवा काफी सही नाचा। वे तुम तो ऐसे लग रहे थे जैसे बंदर को करंट चल गया। अब तुम्हें ना ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया, हम जैलेश विद्या केंद्र कॉलेज में एडमिशन लेंगे, बेस्ट कॉलेज है। तो तुम ना उसका वो पर्चा भर देना, साथ जाएंगे, साथ आएंगे, मजे करेंगे। हाँ हाँ, और हाँ आज हम एक पार्टी में जा रहे हैं तो तैयार रहना, ठीक है? हमारे एक दोस्त हैं बंटी भाई, उनका ना आज हैप्पी बर्थडे है। पर ऐसे कैसे, हमने तो घर वालों को भी नहीं बताया। यार तुम घर वालों की टेंशन मत लिया करो यार, हम उन्हें बोल देंगे तुम हमारे साथ हो, वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। और वैसे भी अब तुम्हें जिंदगी भर हमारे साथ ही तो रहना है। पर ये कपड़े में हम बर्थडे पार्टी कैसे जाएंगे? कपड़ों की टेंशन मत करो, रास्ते में पिंकी का घर पड़ेगा, हम तुम्हें वहां ड्रॉप कर देंगे, वहां से तुम अपने कपड़े बदलना और मस्त फर्स्ट क्लास टिप टॉप बन के बाहर आना, ठीक है? डांस रिहर्सल्स के बाद सीधा पार्टी में चलेंगे। चलो अब। ठीक लौंडा नहीं है ये बंटी भाई,